आज हम बनाएंगे मैंगो सूजी बर्फी। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, फिर भी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो ये रेसिपी एक बार आप जरूर बनाइएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का पका हुआ आम लिया है। आप अपनी पसंद अनुसार कोई भी आम ले सकते हैं, और आम लेते समय ध्यान रखिए कि रेशे वाला आम नहीं लेना है, नहीं तो फिर ये बर्फी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको हम पहले अच्छी तरह से धुल लेंगे, उसके बाद छोटे टुकड़े में कट करके मिक्सी जार में डालेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब मिक्सी जार में डालकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब एक पैन में 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे, और घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें 1 छोटा बाउल यानी कि लगभग 100 ग्राम सूजी डाल देंगे। लो हीट पर चलाते हुए हल्का सा भूनेंगे, और बहुत ज्यादा इसको नहीं भूनना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए उतनी देर ही भूनेंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट हुआ है इसको भूनते हुए। अब डाल देंगे 1/2 बाउल गरी का बुरादा, और इसके साथ भी लगभग 1 मिनट तक भून लेंगे। तो देखिए सूजी का बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज हुआ है, इससे ज्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें ये आम का पेस्ट डाल देंगे, और अभी इसमें बहुत लंप दिख रहा है और ये थोड़ा थिक लग रहा है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 बाउल चीनी। और चीनी की मात्रा आप अपनी पसंद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, या आम जितना मीठा ले रहे हैं उसके अनुसार भी कम ज्यादा ले सकते हैं। तो जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी इसका लंप खत्म होगा और ये थोड़ा पतला भी होगा। तो अब 1 टेबल स्पून देसी घी और डालकर इसको अच्छी तरह से चलाते हुए जमने की कंसिस्टेंसी तक पकाएंगे। इसमें फ्लेवर के लिए कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंगो का फ्लेवर खुद ही इसमें बहुत अच्छे से आता है। तो इस तरह से चलाते हुए देखिए पैन छोड़ दिया है और ये अच्छी तरह से पक गया है। तो अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी थाली ली है, तो इसमें थोड़ा सा घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब ये बर्फी का डो इसमें डालकर फैला देंगे, आप मोटा पतला अपनी पसंद अनुसार रख सकते हैं। और अब इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप लगा सकते हैं, मैं काजू लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स लगाएं, या तो फिर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो अभी इसको लगभग 1/2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद कट करेंगे। तो 1/2 घंटे के बाद देखेंगे तो बर्फी अच्छी तरह से सेट हो गई है। आप अपनी पसंद अनुसार पीस कट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर स्क्वायर में कट कर रही हूँ। तो बहुत ही बढ़िया बर्फी बनी है, और सिर्फ 1 आम और थोड़े से सूजी से देखिए कितनी ढेर सारी बर्फी बनकर तैयार हो गई है। तो बहुत ही बढ़िया बर्फी बनी है, और ये मुंह में डालने से ही घुल जाएगी। ये देखिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो दोस्तों एक बार ये सूजी और आम की बर्फी आप भी बनाइए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।